गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे एक्सरसाइज इज 10.3। मैम आप दिखाई भी नहीं दे रहे। बेटा अब देखो, दिख रही हो क्या सानवी? नो मैम। तो मंथ ऑफ द ईयर, देर आर 12 मंथ इन द ईयर। कल मैंने बताया था कि जो वन ईयर है उसमें कितने मंथ होते हैं? 12। द फर्स्ट मंथ ऑफ द जनवरी, जो फर्स्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है? जनवरी होता है। एंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर। तो आई होप ऑल स्टूडेंट ने ये जो मंथ नेम है वो लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज है 10.3। एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या पूछा, देखो इसमें कैलेंडर दिया गया है। ईयर कौन सा है इसके अंदर? 2019 दे रखा है ना। अगर आपके पास आपका घर पे कैलेंडर रख रखा है तो उसमें ईयर कौन सा आएगा? 2022, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट में सबसे पहले पेज नंबर 150 में सीजन ऑफ द ईयर दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं और इनको याद करेंगे, ठीक है। यस बेटा, लिखने नहीं है इसको, ओनली रीड करना आपको। सीजन ऑफ द ईयर, अब पूरा ईयर होता है उसमें 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ में क्या आएगी बेटा? सीजन भी आएगी अलग अलग, है ना। तो कौन कौन सी सीजन आती है वो देखो, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड रेनी सीजन आर 5 मेन सीजन इन अवर कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसमें 5 मेन जो सीजन है वो होती है। अब कौन सी सीजन चल रही है अपनी? विंटर सीजन। कौन सी सीजन है? विंटर। मेन 5 सीजन कौन कौन सी हो गई? विंटर। फर्स्ट वाली क्या हो गई अपनी? विंटर। विंटर यानी सर्दी, ठीक है। फिर सेकेंड है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब आपकी जो बसंत ऋतु आती है वो। उसके बाद है थर्ड अपनी समर। फोर है रेनी। और लास्ट अपनी है ऑटम। आपको मंथ नेम, वीक डेज नेम एंड सीजन नेम, ये जो है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। और अपनी रफ नोटबुक में इनको लर्न करके बार बार लिखो बेटा, जिससे आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा है सीजन ऑफ द ईयर, अब विंटर सीजन है वो कौन कौन से मंथ में आती है, है ना, विच मंथ। तो विंटर सीजन अपनी कहां से हो गई? एक तो नवंबर हो गई, ठीक है। एक किसमें आ गई? अब दिसंबर में। अब क्या चल रहा है अपना? जनवरी, ठीक है। अब कौन कौन से सीजन में विंटर सीजन कौन कौन से में अपनी? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 मंथ्स होते हैं, उसमें कौन सी सीजन रहती है? विंटर। उसके बाद है स्प्रिंग सीजन। फरवरी एंड मार्च, ठीक है। फरवरी और मार्च में क्या रहेगी अपनी? स्प्रिंग सीजन यानी वसंत जो ऋतु होती है उसपे जो फ्लोर आते हैं फूलों पे ना, उसपे पेड़ों पे, और वो क्या है अपनी? स्प्रिंग सीजन। जो कहाँ रहती है? एक तो फरवरी एंड मार्च। अब विंटर, समर सीजन है इसमें अप्रैल मई एंड जून। देखो अप्रैल मई एंड जून में कौन सी सीजन अपनी? समर सीजन। उसके बाद है रेनी सीजन। तो रेनी किस में आएगी? जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। अब ऑटम इसमें सितंबर और अक्टूबर। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो इसी में से आएंगे। देखो एक्सरसाइज के अंदर
ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि आवर कंट्री में जो सीजन है वो कितनी अपने 5 सीजन है, ठीक है, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड रेनी सीजन। अब इनके भी क्या है अपने मंथ्स अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है, तो जो विंटर सीजन है वो किस किस में आएगी अपनी, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में। उसके बाद जो स्प्रिंग सीजन है वो किस में अपनी, फरवरी और मार्च, फिर समर अप्रैल मई जून, और रेनी जुलाई अगस्त, और ऑटम किस में आ जाएगी अपनी, सितंबर और अक्टूबर में। लर्न हुआ आपके अच्छे से, ये अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है, कि कौन सी सीजन कौन से मंथ में आती है, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना बेटा इनको। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक कैलेंडर दे रखा है, तो हमें अब बुक के अंदर 2019 का दे रखा है, और अगर आपके पास आपका जो कैलेंडर है 2022 का है तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन हम जो एक्सरसाइज है इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब आपके व्हाट डे इज ऑन 15 अगस्त, ठीक है। अब आप लोग अपनी बुक के अंदर आंसर है वो फिल करते रहना। क्वेश्चन नंबर देखो आप, पेज नंबर 116 है, उसमें देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसने क्या पूछा है, व्हाट डे इज ऑन 5th अगस्त। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, आपको कैलेंडर देख के करना है कि हाउ मेनी वेनेसडे आर देयर इन सितंबर, सितंबर में कितने वेनेसडे आए हैं। तो पीछे कैलेंडर दे रखा है उसमें आपको सितंबर में देखने हैं, और जितने भी वेनेसडे है उनको आपको क्या करना है, काउंट करके देखना है कि टोटल वेनेसडे अपने कितने आए हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। काउंट करो आप लोग कितने वेनेसडे, उसमें 4 वेनेसडे आ रहे हैं, ठीक है। विच डे आर मार्क ब्लू, आपका जो कैलेंडर होता है उसमें एक जगह रेड या एक जगह जैसे ब्लू मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो मार्क किस लिए दिए जाते हैं, किस वजह से वो मार्क दिखाई दिए जाते हैं, जैसे पूरा कैलेंडर है, ठीक है, एक बार दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। अब जनवरी में जो 31 है, ठीक है। अब इसमें देखो आपका जो कैलेंडर है उसमें ऐसे मार्क दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जगह क्या दिए जाते हैं आपके, ऐसे मार्क दिए जाते हैं। अब वो मार्क है वो क्या चीज शो करते हैं, जो मार्क दे रखे हैं, जो साइन दे रखा था, वो क्या चीज शो करते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं कि इस मंथ के अंदर कितने हॉलीडेज है ना, यानी वो मार्क है वो हमें क्या बताता है, हॉलीडेज, ठीक है ना। आया समझ में आप लोगों को, आपका कैलेंडर देखो बेटा उसमें रेड लगा रखे होंगे, किसी में ब्लू लगाए रखे होते हैं ना, अलग अलग कैलेंडर में अलग अलग कलर से एक मार्क दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, वो मार्क किस लिए लगाए जाते हैं, वो हमें हॉलीडे बताने के लिए कि इस डेट का ये हॉलीडे है, तो वो क्या बताता है, हॉलीडेज। ठीक है, अब बुक में फिल करते रहो बेटा साथ साथ में। हाउ मेनी डेज आर दिन अगस्त, अब कल मैंने अलग अलग मंथ के अलग अलग डेज बताए थे कि इस मंथ में इतने डेज होते हैं, तो अगस्त का जो मंथ है उसमें कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अगस्त, तो 31 डे कितने आएंगे, 31 डेज आएंगे,
तो डी ई वाले में क्या करना आपको, अच्छा ये वाला रहेगा बेटा, इसमें पहले मैंने डी का करवा दिया, आप डी का कर लो पहले, ठीक है। तो अब इसमें कितने हो गए, 31 डेज, ठीक है। ए का हो गया, ये यहां से डी का यहां लिख रही हूं, ठीक है। अब है विच डे, हाउ मेनी सैटरडे आर देयर इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितने सैटरडे होते हैं, ठीक है। ये डी का हो गया, ये ई का हो गया, और यहाँ पे आपका सी का, यानी हाउ मेनी सैटरडे आर इन देयर अक्टूबर, अक्टूबर का जो मंथ है उसको आप चेक करो, उसमें सैटरडे कितने आए हैं वो हमें बताने हैं। लेकिन हम जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम 19,000 वाले कर रहे हैं, तो इसमें कितने आएंगे देखो, इसमें अपने आ रहे हैं 4, कितने सैटरडे आ रहे हैं 4, तो इसमें भी आप लिखो 4। तनिषा आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. हाँ तो आप अपनी बुक में फिल करो, ठीक है। ये ए का हो गया, ए बी सी डी एंड ई, उसके आगे आप आंसर लिखते जाओ एक बार। विच इज द विच व्हाट इज द डेट ऑन लास्ट संडे ऑन द ईयर 2019 में जो लास्ट संडे है ना, उस दिन कौन सी डेट थी वो बताना है। तो 2000 में अपने लास्ट संडे पे देखो कौन सा आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 29 डेट थी, उस दिन कौन सी डेट थी 29, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एफ वाले में 29। आया समझ में? राइट किया आप लोगों ने? आप सेकंड वाले में क्वेश्चन पूछा है, विच इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो फिफ्थ मंथ है वो कौन सा होता है, तो काउंट करके देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, तो फिफ्थ डे कौन सा, फिफ्थ मंथ कौन सा हो जाएगा अपना मई। ये राइट किया आप लोगों ने? अपनी बुक में फिल करते जाओ बेटा साथ के साथ में, ठीक है। Which is the fifth month of the year? तो fifth month कौन सा हो जाएगा अपना, month name है उसमें से आप लोग count करके देखोगे कि fifth month कौन सा है, ठीक है A में। अब B का देखो, How many months are there in rainy season? अब rainy season के कौन कौन से month बताए थे मैंने, rainy season के कौन कौन से month बताए थे, 2 month थे, एक तो जुलाई था और एक क्या था अगस्त, तो यहां आ जाएगा कि तो यहां क्या आएगा 2 मंथ। अब वो दोनों मंथ कौन कौन से थे वो यहां पे राइट कर देना, जुलाई अगस्त, ठीक है। अब सी में राइट एनी 2 मंथ ऑफ द विंटर सीजन, राइट एनी 2 मंथ, कितने मंथ बताया उसने, 2 मंथ पूछे हैं, बाकी जो विंटर सीजन के कितने मंथ थे, 3 मंथ थे, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, लेकिन इसने कितने मंथ पूछे अपने को 2, तो यहां पे हम लिखेंगे दिसंबर दिसंबर एंड क्या लिखोगे जनवरी। ठीक है फिल करो बेटा। विच मंथ कम्स 2 मंथ आफ्टर अगस्त, विच मंथ कम्स 2 मंथ आफ्टर अगस्त, अगस्त के बाद में कौन कौन से 2 मंथ आते हैं, तो एक तो हो गया अपना सितंबर और एक हो गया अक्टूबर, तो यहां डी वाले में क्या लिखोगे आप, नवंबर, नवंबर नहीं बेटा सॉरी,
सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर। फिर राइट नेम ऑफ एनी टू मंथ्स हैविंग 30 डेज एंड हैविंग 31 डेज। ऐसे हमें टू मंथ बताने हैं जिसमें एक टू मंथ में तो कितने डेज आने चाहिए अपने, 30 डेज आने चाहिए, और टू मंथ में कितने आने चाहिए, 31 डेज। तो अप्रैल और जून है उसमें कौन से कितने डेज आते हैं अपने, क्या बात है बेटा? मैम आप दिख नहीं रहे हो। हाँ देखो बेटा, आप दिख नहीं रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। A P R I L, अप्रैल और जो जून है उसमें कितने डेज आते हैं अपने, 30 डेज, ठीक है। और टू डेज कौन से बताने हैं जिसमें कितने डेज आते हैं, 31 डेज। तो इसमें लिख देंगे हम मई एंड जुलाई, इसमें कितने आते हैं, 31 डेज। ठीक है, लिखा तनिषा आपने? यस मैम। सॉरी आपने लिखे बेटा बुक में फिल किए क्या? अब अपने लास्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में क्या पूछा है, फरवरी ऑफ ए लीप ईयर हैज, अगर फरवरी अपनी लीप वर्ष की आ रही है तो इसका मतलब उसमें कितने डेज है, हाउ मेनी डेज। तो कितने हो गए अपने, जब फरवरी लीप ईयर में आती है तो उसमें 29 डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, 29। ऑफ ए लीप ईयर हैज कितने आएंगे इसमें, 29 डेज। मार्च कितने डेज की होती है, देखो पीछे मैंने लिखवाए हैं तो मार्च में कितने डेज है अपने, 31। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 31 डेज। A leap year has 366 days. एक leap वर्ष जब आता है तब उसमें कितने days होते हैं, 366, और जो normal आता है उसमें कितने होते हैं, 365 days. There are months, total months कितने हैं,
इन ए ईयर, एक ईयर के अंदर टोटल जो मंथ है वो कितने अपने 12 मंथ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो थर्ड मंथ है वो कौन सा है, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो थर्ड मंथ कौन सा है अपना मार्च, तो इसमें कौन सा आएगा ई वाले में, इज द थर्ड मंथ ऑफ ए ईयर, तो कितना कौन सा आएगा। मैम आवाज नहीं आ रही, दिखाया गया है इसमें ये, इसको क्या कहा गया है। प्रत्युष माइक ऑफ करो बेटा, देखो आ रही है अब, एम ए आर सी एच मार्च। एफ में मई इज द मंथ ऑफ द ईयर, जो मई है वो कौन सा मंथ होता है ईयर का, तो काउंट करके देखो कौन सा मंथ हो रहा है ईयर का वो। तनिषा कौन सा मंथ है बेटा, मई इज द मंथ ऑफ द ईयर, कौन से नंबर पे आता है मई अपना, तो फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ है, ठीक है। द ट्वेल्थ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो 12 मंथ है वो कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन अपना। द ट्वेल्थ मंथ ऑफ ए ईयर, तो 12 मंथ कौन सा हो गया, दिसंबर। पेज नंबर 116 पे बेटा ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यानी आपको इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो तो आपको अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। जो 1 का क्वेश्चन है वो तो आपको अपनी बुक में फिल करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, क्वेश्चन 2 और 3, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ऑल स्टूडेंट को